लो ये है गुन्ना की अम्मा। बाबू मेरा बच्चा पहले है। तो एक्साइटेड थे गोल्ड सिल्वर गिफ्ट की अनबॉक्सिंग के लिए। तो परी ये भी देखिए, एक ड्रेस थे, ये कड़े थे, उसके बाद दो ट्राय थे। वो इतना सोचे कि बाबू को चुभेगा नहीं, उसने बहुत ही अच्छा सोचा कि हाँ बच्चों को प्रॉब्लम नहीं। ये भी बाद में दिखाती हूँ। ये है हमारी मामी जी बाबू, ये है वंदना दीदी का। तो भूली जा रही हूँ क्या क्या चीज है। ओ भाई ये है हमारी बुआ जी का, सो मच गुरमीत जी और उनके हस्बैंड को, उनके छोटे छोटे क्यूट से बच्चे को। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अमित अंकित जायसवाल यूट्यूब चैनल। हम हैं गुन्ना के पापा, ये है गुन्ना। लो लो लो, और ये है गुन्ना की अम्मा। तो गाइस ये है गुन्ना की अम्मा। गुन्ना की अम्मा ने बनाया है चावल, सब्जी, दाल, रोटी। गुन्ना क्या खाएगा? उसको दाल चावल खिलाना है। पहले तुम्हारी जिम्मेदारी उसको खिलाओ। टोटो किटो रानी, क्या बात है, क्या बात है, पर्पल कलर में क्या क्या गुन्नी? पहले हमको स्लीपर पहनने थे क्योंकि हमारे सारे स्लीपर धुल दिए गए हैं। तो इसमें से एक स्लीपर उठाएंगे हम, ये वाला। ओ भाई साहब, ये तो लेडीज का है लेकिन घर के अंदर सब चलता है। गुन्ना की अम्मा गर्मा गर्म रोटियां तैयार। गुन्ना तो जब से ये वाला आया हुआ है कार, ये कार छोड़ता ही नहीं है। क्या गुन्नी? टाटो टू टाटा 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 टा। तो गाइस आज हम लोग करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर का गिफ्ट अनबॉक्सिंग। तो गिफ्ट हाँ। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कृतिक को खिलाना। यार बाबू मेरा बच्चा पहले है। तो मैं कहा कर रहा हूँ बच्चा बाद में है। हम 10 दिन ना खाए चलेगा। हम कहा करें तुम्हारा बच्चा बाद में। आप लोग सिचुएशन देखिए कि मैं खुद खा रहा हूँ, उसके बाद गुन्ना की मम्मी गुन्नू को खिला रही है, और मैं खुद खा ही रहा हूँ तो मैं गुन्नू की मम्मी को भी खिला रहा हूँ। क्या प्यार है किट्टू, क्या बात है। तो ये गुन्ना तभी हम लोग को देख रहा है तो ही खा रहा है। अगर हम लोग नहीं खाते ना तो खुद नहीं खाता है। और किट्टू इसके चक्कर में दिन भर ऐसे ही रह जाती है, खुद नहीं खाती है। तो मैं भी खा रहा हूँ, गुन्ना को भी खिला रहा हूँ, गुन्ना की मम्मी गुन्ना खिला रही हूँ। कम से कम खाता तो है ऐसे देखते हम लोग। फिनिश बेटू। बाप 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 मैं रोने लग गया। अच्छा देख इनको कुछ देखिए, हम अब क्या कर रहे हैं, गैस साफ कर रहे हैं अपना, ये जो सब फैला हुआ था तो क्योंकि वो माँ आएगी ना मेड बर्तन धुलने के लिए, तो उनके आने से पहले सारा किचन का जितना भी बर्तन होता है सारे बेसिन में डाल देती हूँ। और यहाँ पे कुच्चा भी मेरा खा लिया है। कुच्चा हाँ फिनिश फिनिश कुच्चा, कैसा दिखाना जी? बहुत अच्छा, थैंक यू। और गाइस पता है थोड़ा थोड़ा पहले से मेरा किचन अभी भरा भरा सा लग रहा है, मैं जो भी फालतू चीज रहेगा मैं अभी एक एक करके मतलब फेंकूंगी। थोड़ा सा किचन मेरा खाली खाली सा लगेगा। ये लाइट फालतू जगह जिसको बंद कर देती हूँ। किचन साफ हो गया है, अब मैं इधर देसी में थोड़ा पोछ पा देती हूँ, बाद में थोड़ा झाड़ू मार लूंगी, फिर मेरा किचन थोड़ा साफ हो जाएगा। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर में गिफ्ट के साथ। तो गाइस वेलकम बैक टू गिफ्ट अनबॉक्सिंग। तो अभी नॉर्मल रूटीन ब्लॉग चल रहा था और आप सब लोग सुपर एक्साइटेड थे गोल्ड सिल्वर गिफ्ट की अनबॉक्सिंग के लिए। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अपना ये प्यार बरसाया है उन सब लोगों को तहे दिल से, लोगों का गिफ्ट अनबॉक्सिंग का ब्लॉग आप सब लोगों को बहुत 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 अच्छा लगा। और जितने भी लोग आए हमें कुछ भी गिफ्ट दिया वो सारा गिफ्ट बहुत 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 अच्छा था। अब हम लोग एक एक करके गिफ्ट अनबॉक्सिंग करेंगे। तो शुरुआत करेंगे, किट्टू बोलेंगे आप शुरुआत करो। शुरुआत जो हाथ में ली उसी से कर देते हैं, सिल्वर ही है। तो आप दिखाओ, ये दिखाओ, बोले ये मेरी जो
मुंबई वाली बुआ है उन्होंने दिया था, ये हमारी मुंबई वाली बुआ। आज हमारे कैमरा पर्सन नहीं है तो मैं ही इसको पास ला ला के दिखाऊंगा आप लोगों को। ये हमारी मुंबई वाली बुआ ने तो ये मैं ये पहला गिफ्ट दिखाता हूँ जो कि है सिल्वर में, आप लोग देख लीजिए, जिसमें देख लीजिए आप सब लोग, बहुत ही खूबसूरत सा है ये सिल्वर गिफ्ट है, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम सब मिक्स है इसमें, तो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये जो गिफ्ट दिया है वो दिया हुआ है हमारी गुड्डन दीदी ने जो कि मुंबई से है, तो इसको कितना अच्छे ताकि बाबू खेल सके। दे दो भाई इसका, दे दो, क्यों इसका चीज ले रहे हो आप? हाँ ये मेरी कृतिक का है, बहुत प्यारा गिफ्ट था। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप आई मुंबई से, अभी बच्चे का स्कूल वगैरह था सब कुछ छोड़ करके टाइम निकाले मेरे बच्चे के लिए, यही हमारे लिए बहुत है, और जो गिफ्ट दिया है वो भी बहुत प्यारा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे बड़ा धन्यवाद जीजा जी का कि उन्होंने ही पसंद करके भेजा है। सही बात है, उन्होंने आपको आने दिया उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और दूसरा गिफ्ट कितना उठाऊं? चलो भाई हम दूसरा गिफ्ट उठा लेते हैं, तो ये आप या फिर कृतिक को पकड़ लो या फिर मैं दिखाती रहूं। चलो मैं ही दिखाता हूं, आप दिखाओ। मैं कृतिक, ये जो दूसरा गिफ्ट है वो है रिया ऋतिक का, और देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। ये है रिया ऋतिक, इसमें कुछ नोट वगैरह भी दिख रहा है शायद। अच्छा पर्ची दी है, देख लो किट्टो। अरे इसके अंदर नाम लिखा हुआ था रिया ऋतिक यार। अच्छा रिया ऋतिक लिखा है, ये सही है, पर्चा डाल देना चाहिए, ऐसे पता चलता है कि किसका क्या है। बहुत ही प्यारा गिफ्ट है रिया ऋतिक का, कुछ डिफरेंट लग रहा है ना, कुछ डिफरेंट लग रहा है। और ये नजर वाला है, नजरिया वाला है, नजर वाला गिफ्ट है। अच्छा ये आपका है, क्या है देखिए, इसमें चांद सूरज बना हुआ है, इसमें ओम चांद सूरज सारी चीजें बनी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत सा प्यारा सा गिफ्ट लग रहा है ये। इनका एक गिफ्ट और था ड्रेस जो कि मैंने पहले दिखा दिया था, तो ये मैक्सिमम लोगों का जिनका जिनका हम लोग गिफ्ट अनबॉक्सिंग दिखा रहे हैं इसमें गोल्ड सिल्वर दिखा रहे हैं, इनका और भी गिफ्ट था जो कि हमने ड्रेस अनबॉक्सिंग में ऑलरेडी, मैं बताती जाऊंगी ना जिसका जो जो रहेगा मैं बताती हूं। थैंक यू सो मच रिया और ऋतिक, आपने मेरे बेटे रोहतक से मेरा भाई आया था गिफ्ट लेकर के, थैंक यू सो मच रोहतक वाले भैया। और उसके बाद तुमने इतना ज्यादा सोचा कि इसको नजर ना लगे, बहुत अच्छा माना जाता है बच्चे के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो थर्ड गिफ्ट है वो है ये जो सिम्मी थी, ये भगवान भोलेनाथ है, ये सिम्मी जी ने दिया हुआ है, थैंक यू सो मच सिम्मी जी। और ये लौटेंगे भगवान भोलेनाथ बने हुए हैं ये, और कैसे लग रहे हैं आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनका भी ड्रेस था और उसके बाद ये है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ही छोटे से बेबी को लेके आए हमारे बच्चे की पार्टी में। ये देखो सब नोच दिया इसने, ठीक है ले ले चल, बहुत ही प्यारा गिफ्ट, थैंक यू सो मच सिम्मी जी और आपके बच्चे को और आपके पति देव, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास हमारा बाबू इसलिए थोड़ा सा हम लोग सही से नहीं कर पा रहे हैं। ये है परी शर्मा जी का गिफ्ट, परी का दो ड्रेस था। अच्छा लीजिए लो किटो, तुम करो तो मैं बाबू को पकड़ता हूँ, जैसे फिर अच्छा नहीं लगेगा वीडियो। ठीक है पकड़िए आप, ये जाओ पापा, पापा मेरे, पापा मेरे पापा परी। वो खुल नहीं रहा इसलिए वो चिल्ला रहा है, तो खोल के दे दो। हाँ 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 हा। दिखाना उसका चेहरा, दिखाओ ना, देखो गाइस उसका चेहरा जो नहीं खोल पा रहा है उसके लिए पापा। ये परी ने दिया है बहुत ही सुंदर सा चूल्हा, चूल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कड़े बोलते हैं, और इसके दो ड्रेस भी थे और उसके बाद कुछ और भी थे ना, याद नहीं आ रहा है, अपने देख लेना, मतलब इसके ऑर्डर भी मैंने जो भी दिखाया गिफ्ट अनबॉक्स में आप देख लेना। थैंक यू सो मच परी, बहुत ही प्यारा ये कड़ा है जो कि तुम हमारे बेटे के लिए लेके आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनके भी जो भी गिफ्ट थे भैया, तो अगर आप लोग को जो इस वाले ब्लॉग में नहीं देखा होगा तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देख लेगा, तो मुझे मजा नहीं मिली समझो। थैंक यू परी, ये वहाँ पे रख दीजिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं, इसमें था जी ऐसे रखते जाओगे फिर पता नहीं चलेगा। ये है मिष्टू भाई का, जब मिष्टू भाई आए थे हमारे यहाँ उनका ड्रेस था, और ड्रेस के बाद वो उन्होंने दो टॉय भी ला, कितना सीटी मार रहा है ये मिष्टू, मिष्टी और मिष्टू की तरफ से है, तो मैं ये दिखा देती हूँ कड़ा। ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसमें जो स्टोन लगा हुआ है ना, ये बहुत सुंदर है। इनके भी देखिए एक ड्रेस थे, ये कड़े थे, उसके बाद दो ट्राई थे, और तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे देख सकते हो आप लोग, ये देखो क्या बेटा,
उसको ना सारे चीजों के बीच में बैठा दो, जो दिखा दे उसको देते जाओ, अपना खेलेगा उसी में। थैंक यू सो मच मिष्टी मिष्टू और उनकी सारी फैमिली को, बहुत अच्छा लगा। चलिए ये इनका है, मिष्टू भाई का और मिष्टी का, तो ये रख दो वहाँ पे, आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम दिखाते हैं जिया शाश्वत का, उनका भी एक ड्रेस था, ड्रेस भी आप लोगों को हमने दिखा दिया था। और इसके बाद इनका इसमें क्या है, ये है कड़ा, ये देखो आप लोग, ये है कड़ा, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है। ड्रेस के साथ साथ उन्होंने ये कड़ा दिया है, वो भी ये घुंघरू वाला लगा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू सो मच जिया और शाश्वत भाई, इतना प्यारा तोहफा हमारे बेटे के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत। क्योंकि मैं जल्दी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे भी रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक एक करके दिखाती जा रही हूँ। ये है निक्कू का, निक्कू का भी हम आप लोग को यहाँ पे वीडियो लगा देंगे, आप लोग देख लेना। मैंने इसके पहले वीडियो में लगाया था, उसका एक ड्रेस था, साइकिल था, और उसके बाद ये कड़े भी हैं, विदाई भी दी थी, बहुत सारा गिफ्ट लेके आई थी, खाने से पीने से, उसका भी मैंने अनबॉक्सिंग किया था, अनबॉक्सिंग उस पर मैंने फेसबुक पर डाला था। तो ये कड़ा है बाबू को, वो इतना सोची कि बाबू को चुभेगा नहीं, उसने बहुत ही अच्छा सोचा कि हाँ बच्चों को प्रॉब्लम नहीं, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। और वो साइकिल भी बहुत अच्छा है, बहुत 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 सुंदर है। तो अगर जो वाला निक्कू का वीडियो नहीं देखा होगा तो हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि निक्कू ने इतना सारा सामान मेरे बेटे के लिए लेके आई थी। तो थैंक यू निक्कू और उनके पति देव बोले सुमित भाई को, मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाया था कि आएंगे, पर वो चंडीगढ़ चले गए थे, मैंने उनको कॉल किया था। कोई बात नहीं, आपने मेरे बेटे को उसके पहले आके आशीर्वाद दिया, ये बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच निक्कू भाई कर रहे हैं, निक्कू और उनके पति देव को। उसके बाद ये मैंने दिखा दिया ना, नहीं दिखाया, दिखाया है। हाँ ये हैं जानवी, हमारे ये फ्लोर की है ना, इनका भी एक बिस्किट के डब्बे थे, और उसके बाद इनके पैसे थे, और ये कड़े थे, तो इनके 1100 रुपये भी थे मैंने बताया था, और ये कड़े हैं बाबू के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये कड़ा बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, ये भी देखो झुनझुनुआ वाला है, रोक के रखा करो तो। अच्छा ये ऐसे दिखाया करो, तो ये हमारे जो ना क्या बोलते हैं इनका, उनकी वाइफ का नाम है खुशबू जी। तो थैंक यू सो मच, आप इतना प्यारा सा गिफ्ट दी हमारे बेटे के लिए, और उसके बाद आशीर्वाद भी दी, पार्टी में इंजॉय की, बहुत अच्छा लगा। तो इनका भी रिटर्न गिफ्ट देना बाकी है, क्योंकि मैं भूल आई थी मेरे यहाँ, फिर मैं भूल गई थी देना, फिर उनको देना है। तो थैंक यू सो मच आपकी पूरे फैमिली को, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं दिखाती हूँ, ये है हमारी मामी जी, जो हैं मुंबई की इकलौती मामी जी हैं, वो हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी। ये है बेटे के पैर का, इसको क्या बोलते हैं हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये बाबू को उन्होंने पहना है, ये देखिए ऐसे है, ये है पैर में पहनाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मामा और मामी का कि वो लोग, हमारी सासू माँ नहीं आई तो एक बड़े गार्जियन के रूप में थी, तो बहुत ही अच्छा लगा, और हमारे बेटे को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दी और पूरा फुल सपोर्ट की हमारा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मामा मामी जी, आपने इतना प्यारा तोहफा दिया, जो कि मेरा बेटा पहनेगा तो छम छम करेगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि सारे गिफ्ट एक से बढ़कर एक है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी बता देना। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इसको वहाँ रखिए। तो वंदना दी का कहाँ है, वंदना दी का, हो बाबुल, ये है वंदना दीदी का। तो वंदना दीदी का क्या बेटा, ऐसे नहीं करते, ये है वंदना दीदी का, ये वंदना दीदी ने हमको दिखाया था पहले से ही, मुझे पता था कि इसके अंदर क्या है। ये वंदना दीदी का भी एक ड्रेस था, ड्रेस के साथ साथ उनका एक बहुत ही प्यारा आशीर्वाद भी था, आशीर्वाद के साथ साथ ये चूल्हा है, ये कड़े हैं, ये इसको एक हाथ में ऐसे पहन सकते हैं, एक हाथ में, तो ये बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। और उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट भी किया हमारा, तो ये हमारे लिए बहुत है। तो धन्यवाद वंदना दी और उनकी पूरी फैमिली, डीके जीजा जी को, सोनाक्षी जी, सबको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है ना सब, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बताइए क्या दिखाएं। तो गाइस सिल्वर तो बहुत ज़्यादा हो गया है,
अब हम सोच रहे थे चलते हैं आप लोगों को कुछ नया चीज़ दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये देखती हूँ कि ये भी तो है एक। हाँ यार, मैं तो भूली जा रही हूँ क्या क्या चीज़ है। ओ भाई, ये है हमारी बुआ जी का। तो ये हमारे बुआ जी का है, आप ऐसे दिखाओ, जो इन्होंने सरप्राइज दिया था। सरप्राइज कान्हा जी हैं। हाँ, ये हमारी जो बुआ, सबसे छोटी बुआ है ना हमारे घर से, वो वाली बुआ है जो कि उन्होंने ये दिया था लॉकेट के साथ साथ चैन दिया था, वो भी सिल्वर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी फैमिली को, बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सारा प्यार दिए, आशीर्वाद दिए, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये जितना सिल्वर था मैंने आपको दिखा दिया, उसी के साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना हम और सारे क्रिएटर्स का नेम बता देते हैं। ये गोल्ड वाला ब्लॉग में सोच रही थी अलग से, सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड आए, तो अभी इतना सारा गोल्ड इधर रखा है, तो मैं एक एक करके दिखाऊंगी। ये है हैप्पी बर्थडे कृति फ्रॉम सौरभ, इनके दोस्त हैं। इन्होंने एक खिलौना दिया था, मतलब टॉय दिया था, और उनका ये 500 रुपया है, तो आशीर्वाद के रूप में थैंक यू सो मच सौरभ भाई और वर्षा जी। तो ये आए, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैं जल्दी से दिखाऊंगी। ये है गुरमीत जी का, मैं आप लोग के सामने गिनूंगी। तो ये है 2100 रुपये गुरमीत, मतलब आप लोग देखेंगे जो पार्टी में बहुत ही अलग दिख रही होंगी, एकदम चमक रही होंगी, एकदम ग्लो मार रहा होगा, वो वही गुरमीत जो है, जो इनका पूरा कॉस्मेटिक का दुकान है, मतलब मेकअप से जो भर भर के इनका वहाँ पे मेकअप का दुकान है। कहाँ है जी? करोल बाग में। किसी को लेना होगा तो आप लोग इनके यहाँ जाकर करोल बाग में ले सकते हैं, और सारे ब्रांड होते हैं। थैंक यू सो मच गुरमीत जी और उनके हस्बैंड को, उनके छोटे छोटे क्यूट से बच्चे को, तो थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा है ये। पैसा तो प्यारा होता ही नहीं है। ये है हमारे पवन जायसवाल, हमारे घर से हैं, चाचा के लड़के हैं, उन्होंने दिया है 500 रुपीज़। तो ये उनकी तरफ से है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बेटे के बारे में पार्टी में आए और इतना इंजॉय किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हैं हमारी चाची की लड़की, जो कि उनका एक सेट कपड़ा था, आप लोग देखे होंगे, वो हमारी दोनों चाची की लड़की आई थी, उनका 500 रुपीज़ है और एक सेट कपड़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग देखते सुनते जाइएगा। ये है आरती सिंह जी, आरती सिंह हेयर स्टाइल, उन्होंने दिया है 1100 रुपये। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम थी आपने मुझे बताया था, तो ये सबके साथ होता है, कोई नहीं, आप आई, वही मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया आपने मेरे बच्चे के लिए। ये है विनोद जी, जो कि वो है हमारी आंटी की लड़की हैं, तो उनका भी एक सीट कपड़ा था और 500 रुपीज़ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उसके बाद आ जाती हैं हमारी बुआ जी जो सर बुआ जी वहाँ की हैं। एक बुआ ने मेरे को चांदी की लॉकेट और दिया था, और एक बुआ ने 1100 रुपया दिया है, आप लोग देख सकते हो, 1100 नहीं, 1001 है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप तो आने वाली भी नहीं थी पर अब आप आई, यही मेरे लिए बहुत है। ये है मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द खुशबू, इनका 1100 रुपया था, मैंने 500 इसमें से निकाल लिया था, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये है 1100 रुपया। और उसके बाद मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही हूँ, जो आप लोग कान खोल के सुन लीजिएगा, जो हमारे बेटे के बर्थडे में आप लोग इतना ज्यादा इंजॉय किए थे, उसको क्या बोलते हैं, मैजिक शो था, वो हमारी प्रेरणा दी की तरफ से था, जो कि बहुत ज्यादा, वो सोचो ना, हमारे बेटे के लिए नहीं, उस सारे गेस्ट के लिए था, उन्होंने इतना बड़ा हम लोगों को सरप्राइज दी थी, वो उनके तरफ से गिफ्ट था हमारे बेटे और हमारे पूरे गेस्ट के लिए। तो ये गिफ्ट बहुत ही अच्छा था, और आप हमको सरप्राइज दी, हम आपको जैसे मैंने सबका बताया, आपका भी बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि वो गिफ्ट हमारे बेटे के लिए उनके तरफ से था। तो ये तोहफा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और सब लोगों ने, सबसे बड़ी बात, सब लोगों ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया, वो मेरे लिए बहुत है। तो थैंक यू सो मच विनोद भैया को और प्रेरणा दी को और उनके फैमिली, उनके छोटे से बच्चे को, आपका गिफ्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, हमें क्या, सारे लोगों को पसंद आया, तो ये उनकी तरफ से था। तो आज का ये रहा हमारा अनबॉक्सिंग गिफ्ट, इसके बाद जो रात को आएगा या सुबह आएगा वो हमारा आएगा गोल्ड अनबॉक्सिंग। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।